नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। गैर भाजपा राजनीतिक दलों के विधायकों का भाजपा की ओर से भागना अब कोई नई बात नहीं रह गई। हमेशा भाजपा विरोधी दलों का दय बना रहता है कि उनके विधायकों का भाजपा तोड़ देगी। इसलिए टूट फूट के डर से राजनीतिक पार्टियां समय समय पर अपने विधायकों को इधर से उधर लेकर भागती रहती हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने विधायकों को उन शहरों में ले जाती हैं और रिसोर्ट होटल में तब तक ठहराती हैं जब तक टूट का खतरा टल नहीं जाता या खत्म नहीं हो जाता। महाराष्ट्र से ये पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, फिर झारखंड में यह दौर आया और अब बिहार में देखने को मिल रहा है। इससे पहले कई और राज्य में भी यह नजारा दिख चुका है। गैर भाजपा दलों के विधायकों को भाजपा अपने पाले में लेकर सरकार बनाती रही है। कर्नाटक से शुरू हुआ यह खेल गोवा, उत्तराखंड, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में होते हुए अब बिहार तक पहुंच गया है। इस ऑपरेशन लोटस नाम दिया जाता है। लोकसभा ने यह दृश्य पहली बार दिखा था जब पीवी नरसिंह राव की सरकार को बचाने के लिए जेएमएम के सांसदों ने पैसे लेकर उनके पक्ष में वोटिंग की थी। विधायकों का पाला बदलना तो सामान्य बात है, जब भी अवसर मिलता है और लाभ की गुंजाइश दिखती है विधायक टूट जाते हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाने से चूक गई थी। बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उसे तीन विधायकों की जरूरत थी। कहा जाता है कि भाजपा ने प्रलोभन देकर कांग्रेस और जेडीयू के 8 विधायकों को तोड़ लिया, इससे बीजेपी की सरकार बन गई। बहुमत का आंकड़ा भी आदर्श स्थिति में पहुंच गया। हालांकि तब भाजपा केंद्र की सत्ता में नहीं थी। विधायक किन कारणों से टूटे यह तो वो ही जाने, लेकिन आम मान्यता यही है कि बीजेपी ने पैसा और पद का प्रलोभन देकर उन्हें अपने पाले में किया है। भाजपा की कर्नाटक में सरकार बन गई थी। राजनीतिक गलियारों में इनका नाम ऑपरेशन लोटस प्रचलित हुआ। लोटस यानी कमल, भाजपा का चुनाव चिन्ह, इसलिए ऑपरेशन लोटस नाम रखा गया। ऑपरेशन लोटस भाजपा की एक कोशिशें रहती हैं कि कम से कम उतने विधायकों को तोड़ लिया जाए जिससे दल बदल विरोधी कानून बेअसर हो जाए। गोवा में भी भाजपा ने यह प्रयोग किया। कांग्रेस के कुल 15 विधायक थे, भाजपा ने उनमें से 10 को अपने पाले में कर लिया। भाजपा बहुमत में आ गई और आसानी से बेखटके उसकी सरकार बन गई। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 संख्या आवश्यक होती है। इससे कम संख्या होने पर पाला बदलने वाले विधायकों की सदस्यता खत्म हो सकती है। इसलिए पहली कोशिश यही होती है कि टूटने वाले विधायकों की संख्या 2/3 से कम ना हो। महाराष्ट्र में 4 साल पहले ऑपरेशन लोटस का कमाल दिखा था। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना के एकनाथ शिंदे सीएम की दौड़ में शामिल थे। उन्होंने यह मौका नहीं खोया। शिंदे शिवसेना के विधायक थे। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से सरकार बना ली थी। वे खुद सीएम बने जो शिंदे को नहीं भाया। सीएम पद की उनकी दावेदारी इतनी मजबूत थी कि चुनाव बाद विधायक दल की बैठक में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ही एकनाथ शिंदे के नाम का प्रस्ताव सीएम पद के लिए कर दिया। शिंदे शिवसेना विधायक दल के नेता चुन लिए गए। उनके समर्थकों ने उनके बाद उन्हें भावी सीएम बताते हुए पोस्टर तक लगा दिए थे, पर शिंदे सीएम नहीं बन पाए। लेकिन इसका मलाल उनके मन से नहीं गया। उन्होंने 2022 में शिवसेना के 16 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। इसके लिए ये मुंबई छोड़कर इधर उधर भागते रहे। गुवाहाटी में विधायकों का संग डेरा डाला। आखिरकार वे कामयाब हो गए। यूं कहे कि भाजपा कामयाब हो गई, एक ही बात है, भाजपा के साथ मिलकर शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन गए। तो वही बात करें अगर झारखंड की, 2022 में ही झारखंड में विधायकों को लेकर इधर उधर भागने भटकने का सिलसिला शुरू हुआ। सीएम रहते हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लग गया। भाजपा ने राज्यपाल से मिलकर हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया कि सीएम रहते उन्होंने खनन पट्टा अपने नाम कर लिया। राज्यपाल ने इस मामले में चुनाव आयोग में मंतव्य मांगा। माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है। ऐसे में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को मिलाकर बने महागठबंधन की सरकार अस्थिर हो सकती है। हेमंत सोरेन अपने समर्थक 41 विधायकों को लेकर छत्तीसगढ़ चले गए। 4-5 दिनों बाद मामला थोड़ा शांत होने पर वो लौटे तो विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाकर बिना जरूरत विश्वास मत हासिल किया। दूसरा मौका अभी आया जब हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया तो चंपाई सोरेन नए सीएम बनाए गए। उन्होंने 43 विधायकों के समर्थन की सूची तो राज्यपाल को सौंप दी, लेकिन महागठबंधन के अपने विधायकों के टूटने का खतरा उन्हें भी सता रहा था।
चार्टर्ड प्लेन से महागठबंधन के 34 विधायक हैदराबाद चले गए, जो फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले यानी कि कल रविवार शाम रांची लौटे। बिहार में विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फ्लोर टेस्ट अभी होना है। एनडीए सरकार के पास संख्या बल है, लेकिन उनके क्रॉस वोटिंग की आशंका है। इस खतरे से बचने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अतिरिक्त सदस्यों को बंदोबस्त करना चाहती है। कहा जाता है कि इसीलिए कांग्रेस के विधायकों को पटाया जा रहा है। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं। दल बदल कानून से बचाव का तरीका अपनाते हुए दो तिहाई की संख्या में टूटने वाले कांग्रेस विधायकों पर एनडीए की नजर है। बिहार में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि पहले भी टूटते रहे हैं। यही वजह है कि 10 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट के पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया। ठीक उसी तरह जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों को लेकर गुवाहाटी चले गए थे, और झारखंड में महागठबंधन के विधायक हैदराबाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।